Hey everybody, welcome back to my channel Nirvila Classes. I am Niveta Jaiswal. आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन राइट्स लॉ के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है जेनेवा कन्वेंशन. मुझे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि मैम आप जेनेवा कन्वेंशन पर वीडियोस अपलोड कीजिए बिकॉज यूट्यूब में वीडियोस उसके ऊपर अपलोड नहीं है. अगर आप अपलोड करेंगे तो हम लोग के एग्ज़ाम में बहुत ही समझने में आप हम लोग के एग्ज़ाम के लिए समझने के लिए बहुत ही आसानी होगी. तो आज मैं आपसे बात करूंगी जेनेवा कन्वेंशन के बारे में. आपको ईयरफोन लगा के और इसके बाद मेरे जो लेक्चर्स हैं उसको ध्यान से सुनना होगा. अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर जेनेवा कन्वेंशन में हुआ क्या था. मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी. स्टोरी में आपको उसमें डूबना पड़ेगा और फिर आपको समझ में आएगा कि आखिर जेनेवा कन्वेंशन में हुआ क्या था. ओके, तो हम लोग बात करते हैं जेनेवा कन्वेंशन के बारे में. आखिर होता क्या है जेनेवा कन्वेंशन. तो 1864 से लेके 1949 तक स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में कई इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट हुए थे. ट्रीटीज जिसे हम संधियां, एग्रीमेंट जिसे हम समझौता भी कहते हैं. तो बहुत सारे ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स हुए थे. इस एग्रीमेंट का यही एन ऑब्जेक्ट था कि युद्ध में घायल होने वाले जितने भी सोल्जर्स हैं उनको मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए. एंड जो भी सोल्जर्स के अलावा अगर युद्ध में, वॉर में अगर गांव के लोग या कोई भी अनागरिक लोग युद्ध के कारण प्रभावित हो जाते हैं उन्हें भी हेल्प किया जाए. इसी सब के लिए एक कन्वेंशन बुलाया गया था जेनेवा में. उसे ही हम जेनेवा कन्वेंशन कहते हैं. इतना तक आपको समझ में आ गया. कोई भी एग्ज़ाम में आएगा तो आप इतना लिख सकते हैं. जो मैं लेक्चर बता रही हूँ अगर इसको आप ध्यान से सुनेंगे तो 20 नंबर में से ऑफकोर्स आपको 15 से 18 नंबर तो ज़रूर मिलेगा. अब हम लोग बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में. ठीक है, इतना तो हम लोग समझ लिए कि जेनेवा कन्वेंशन क्यों बुलाया जाता है, यानी कि जो सोल्जर्स मर रहे हैं उनके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए हम जेनेवा कन्वेंशन रखा गया था. अब हम लोग हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं. आखिर क्यों रखा गया, किसने इसके लिए सबसे पहले आवाज़ उठाया था, इसके बारे में हम लोग समझते हैं. जब दो कंट्री के बीच में वॉर होता है तो हम लोग इसे इंटरनेशनल वॉर कहते हैं. एंड अगर युद्ध अपनी कंट्री के बीच में, अपनी कंट्री जैसे स्टेट अगर लड़ रही है तो इसे हम सिविल वॉर कहते हैं. तो जब कंट्रीज वगैरह लड़ते हैं तो इसमें बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है. बहुत सारे लोग तड़प तड़प के मरते हैं. बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं. मरने वाले तो मर जाते हैं लेकिन तड़प तड़प के सोल्जर्स जो मरते हैं उनके लिए हम जरूर कुछ कर सकते हैं. आपके मन में यही आ रहा होगा कि हम क्या कर सकते हैं. तो आपके जैसा, हमारे जैसा ही एक व्यक्ति था. रेड क्रॉस का तो आप नाम सुने होंगे. रेड क्रॉस का नाम आपने सुना होगा. अगर रेड क्रॉस ना होता तो जेनेवा कन्वेंशन भी ना होता. यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर रेड क्रॉस ना होता तो जेनेवा कन्वेंशन भी ना होता. अब यहाँ पर दोनों एक दूसरे से कोरिलेट है, रिलेटेड है. अब यहाँ पर बात करते हैं कि रेड क्रॉस को कौन, किसने स्थापना किया था. तो रेड क्रॉस को हेनरी डोनाल्ड जो एक व्यक्ति था उसने स्थापना किया था. तो आपके मन में यही क्वेश्चन आ रहा हो कि मैम आपने तो बोला कि हम लोग भी जो घायल सोल्जर्स हैं या अनागरिक लोग हैं उनको, वो अगर वॉर में घायल हो जाते हैं या कुछ उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है तो हम लोग भी कुछ कर सकते हैं. तो हमारे और आपके जैसा ही एक जो जेनेवा में एक बिजनेसमैन रहता था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था. तो उसका नाम था हेनरी डोनाल्ड. तो जब हेनरी डोनाल्ड वहाँ पे बिजनेसमैन था तो इटली में वहाँ पे वॉर शुरू हुआ जिसे हम इटली बैटल ऑफ सेल्फरिनो कहते हैं. तो हेनरी डोनाल्ड जो बिजनेसमैन था उसके मन में यही लगता था कि इतना सारा युद्ध हो रहा है, हमारे सामने कितने लोग, कितने सैनिक लोग, कितने सोल्जर्स लोग मर जा रहे हैं, जबकि जो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं सोल्जर्स के अलावा भी बहुत सारे जो नागरिक लोग हैं, वहाँ के रहने वाले लोग हैं, गांव वाले लोग हैं, वो लोग भी मरते जा रहे हैं, हमारे सामने तड़प तड़प के मर रहे हैं. तो एक हेनरी डोनाल्ड जो वहाँ का बिजनेसमैन था उनकी आँखों के सामने ये सब हो रहे थे. तो उसने यह ऑब्जर्व किया
उसने यह ऑब्जर्व किया कि क्यों ना इनके लिए कुछ किया जाए। हेनरी डोनाल्ड को मन में बहुत धक्का लगा, बहुत ही खराब फीलिंग हुई उसे, इसीलिए उन्होंने यह सब ऑब्जर्व किया। एंड 1863 में हेनरी डोनाल्ड ने एक आर्टिकल लिखा और इस आर्टिकल को पूरे यूरोप में सर्कुलेट हो गया। उसने आर्टिकल में कुछ ऐसा चीज़ लिख दिया था कि यूरोप के लोगों के मन में यह लगने लगा कि वाकई ऐसा करना चाहिए। आपके मन में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि हेनरी डोनाल्ड ने आखिर वो आर्टिकल में लिखा क्या था। तो हेनरी डोनाल्ड ने वो आर्टिकल में यही लिखा था कि जो वॉर में घायल हो रहे हैं सैनिक, या जो वॉर में जिनकी मृत्यु हो रही है, जो तड़प तड़प के मर रहे हैं, जो बहुत सारे बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, लोग मर रही हैं, उनके लिए हम लोग को कुछ करना चाहिए। उन्होंने जब ऐसा आर्टिकल लिखा तो सारे यूरोपियन देशों में खलबली मच गई कि हाँ, ऐसा होना चाहिए था। तो फिर उन्होंने 1863 में जब उन्होंने डिमांड किया, इस चीज़ का डिमांड किया, तो यूरोप की कंट्री में खलबली मच गई कि ऐसा आर्टिकल दिया है हेनरी डोनाल्ड ने, खलबली मच गई, चारों तरफ ये होने लगा कि हाँ, ऐसा करना चाहिए। इसके बाद 1863 में उन्होंने अनऑफिशियल एक अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके अनऑफिशियल एक कॉन्फ्रेंस जनेवा में रखा, अनऑफिशियल कॉन्फ्रेंस को जनेवा में रखा। और इसके बाद जब अनऑफिशियल कॉन्फ्रेंस को जनेवा में रखते हैं हेनरी डोनाल्ड साहब, तो वहाँ की जो स्विट्जरलैंड की सरकार थी, उन्हें भी लगने लगा कि हाँ, हेनरी डोनाल्ड तो सही कह रहा है। इसीलिए जो गवर्नमेंट, जो सरकार थी, जो आपके स्विट्जरलैंड की सरकार थी, उन्होंने 1864 में फर्स्ट जनेवा कन्वेक्शन रखा था। अब आपको बताऊंगी आखिर फर्स्ट जनेवा कन्वेक्शन में हुआ क्या था। ओके, जब फर्स्ट जनेवा कन्वेक्शन हो रहा था 1864 में, तो स्विट्जरलैंड की सरकार ने फर्स्ट जनेवा कन्वेक्शन रखा हेनरी डोनाल्ड के आर्टिकल की वजह से। स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट को भी मानना पड़ा कि हाँ, ऐसा कुछ एक एग्रीमेंट करना चाहिए जिससे कि घायल होने वाले सोल्जर्स लोग हैं, या जो भी अनागरिक लोग जो प्रभावित होते हैं, तो उनके लिए कुछ किया जाए। तो जब 1864 में फर्स्ट जनेवा कन्वेक्शन रखा गया, इसको ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना, तो एक स्टोरी जैसा क्रिएट हो जाएगा आपके मन में, और पूरा याद होते जाएगा कि फर्स्ट में क्या हुआ था, सेकंड में क्या हुआ था जनेवा कन्वेक्शन में, थर्ड जनेवा कन्वेक्शन में क्या हुआ था, एंड फोर्थ जनेवा कन्वेक्शन में क्या हुआ था। आपको वन बाय वन कोई भी चीज़, मोटे मोटे बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैं बोलती हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, आपको क्लियरली याद हो जाएगा और आपको समझने में भी आसानी होगी। तो 1864 में जब फर्स्ट जनेवा कन्वेक्शन रखा गया था, तो 12 यूरोपियन नेशन ने सपोर्ट किया। जो जनेवा कन्वेक्शन को रेड क्रॉस कन्वेक्शन भी कहते हैं, मैं आपको पहले ही बता दी हूँ कि अगर रेड क्रॉस ना होता तो जनेवा कन्वेक्शन ना होता, क्योंकि जनेवा कन्वेक्शन का जो भी रूल्स है, जो भी प्रोटोकॉल है, जो भी रेगुलेशन है, वो क्रॉस सोसाइटी जाके प्रोवाइड करती है। रेड क्रॉस सोसाइटी ही यहाँ पे बना है, जिसके द्वारा जो सोल्जर्स लोग हैं उनको मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराती है रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा। तो फर्स्ट जिनेवा कन्वेक्शन में जो 12 यूरोपियन नेशन शामिल हुए, उसमें रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा मेडिकल प्रोवाइड की जाएगी सारे सोल्जर्स को, घायल होने वाले सोल्जर्स को, यही इसमें रूल्स बना। ओके, अब यहाँ पर सेकेंड जिनेवा कन्वेक्शन हुआ 1906 एंड 1907 के बीच में। ओके, तो उसमें यही कहा गया कि जैसे हमारे जो सोल्जर्स लोग हैं, घायल सोल्जर्स का इसमें हेल्प किया जाता था फर्स्ट जिनेवा कन्वेक्शन में, तो इसमें यह रूल बना कि अब हम लोग सिख यानी बीमार सोल्जर्स की भी हेल्प करेंगे। जो सिख रहते हैं, बीमार सोल्जर्स रहते हैं, उनको भी हमें हेल्प प्रोवाइड करना है, ऐसा सेकेंड जिनेवा कन्वेंशन में रूल बना। तो सेकेंड जनेवा कन्वेंशन में एक और रूल बना था कि जो समुद्र में होने वाले वॉर जो होते हैं, तो उनके अंदर भी तो सोल्जर्स लोग घायल होते होंगे, मरते होंगे, बीमार होते होंगे, तो समुद्र में होने वाले वॉर को वहाँ पे भी मेडिकल प्रोवाइड करेगी आपकी रेड क्रॉस सोसाइटी। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया।
अब यहाँ पर थर्ड जेनेवा कन्वेंशन हुआ 1929 में, इसमें क्या कहा गया, इसमें प्रिजनिश एक्ट ऑफ वॉर को बताया गया है। प्रिजनिश ऑफ वॉर, आपके मन में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्रिजनिश ऑफ वॉर होता क्या है, तो प्रिजनिश ऑफ वॉर में यही बताता है कि कोई भी सैनिक अगर रहते, सोल्जर्स वगैरह रहते हैं, तो उनको ह्यूमैनली ट्रीट किया जाएगा, ह्यूमैनली बिहेवियर किया जाएगा। आपके मन में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर हम लोग सोल्जर्स के साथ ह्यूमैनली कैसे ट्रीट कर सकते हैं, प्रिजनर्स ऑफ वॉर का मतलब क्या समझा रही है मैम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, भारत एवं पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा है, वॉर हो रहा है। तो वॉर जब होता है तो भारत के जो सैनिक है, इंडिया के सैनिक है, पाकिस्तान में इंटर कर जाते हैं। तो इंटर कर जाते हैं, जब युद्ध खत्म हो जाता है तो कुछ कुछ सैनिक पाकिस्तान में ही रह जाते हैं। जब कुछ कुछ सैनिक जब पाकिस्तान में रह जाते हैं तो पाकिस्तान के लोग अगर उनके साथ ह्यूमैनली ट्रीट नहीं करते हैं तो ये बहुत ही गलत हो जाएगा। तो इसी के बारे में बताया गया है थर्ड जेनेवा कन्वेंशन में, यही रूल्स बना था कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर लड़ाई होता है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, भारत और पाकिस्तान का एग्जांपल, भारत एंड पाकिस्तान के बीच में अगर, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में अगर लड़ाई होती है और कुछ सैनिक अगर पाकिस्तान में ही रह जाते हैं, गलती से वहीं पर अगर रह जाते हैं, तो आपको पाकिस्तान के लोगों को या पाकिस्तान के सोल्जर्स को उनको ह्यूमैनली ट्रीट करनी है, ह्यूमैनली बिहेवियर करना है, ऐसा इसमें बताया गया है थर्ड जेनेवा कन्वेंशन 1929 में। ओके, यहां आपने समझ लिया। एंड लास्ट जेनेवा कन्वेंशन जो हुआ था, फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन, ये बहुत ही पॉपुलर था बिकॉज इसके बाद कोई कन्वेंशन हुआ ही नहीं है। 1949 में जेनेवा कन्वेंशन, ये सबसे लास्ट कन्वेंशन था। जो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जेनेवा कन्वेंशन था उसको यही जेनेवा कन्वेंशन में उनको मान्यता मिली थी। जो 20 जेनेवा कन्वेंशन, फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन हुआ था 1949 में, तो जो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड को ऑफिशियली मान्यता मिली थी फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन में। ओके, यहाँ तक तो आपने समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया ना कि फर्स्ट जेनेवा कन्वेंशन में घायल सोल्जर्स की मदद करनी है, सेकेंड जेनेवा कन्वेंशन में सिख सोल्जर्स की मदद करनी है जो बीमार सोल्जर्स हैं, एंड थर्ड जेनेवा कन्वेंशन में जो भी सोल्जर्स अगर अदर्स अदर कंट्री में अगर रह जाते हैं तो उनके साथ ह्यूमनली व्यवहार करना है, एंड फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन था, ये सबसे लास्ट जेनेवा कन्वेंशन था, इसने फर्स्ट जेनेवा कन्वेंशन था, सेकेंड एंड थर्ड जेनेवा कन्वेंशन को ऑफिशियली इसमें मान्यता मिली थी। अब यहाँ पर इसमें जो फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन था, ये LLM एंड LLB के क्वेश्चन में आते हैं, इसलिए आपको इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। ओके, तो इसमें यही कहा गया था, इसमें कई एग्रीमेंट हुए थे। एग्रीमेंट ये हुआ था कि अगर वॉर में, मान चलिए कोई भी युद्ध हो रहा है, तो वॉर में आजू बाजू भी तो लोग रहते हैं, गांव के लोग रहते हैं वहाँ पे, जैसे नागरिक लोग रहते हैं, अगर मान चलिए नागरिक लोग को भी चोट लग जाती है, गांव के लोगों को भी चोट लग जाती है, जैसे कि बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, महिलाएँ हो गई, जैसे अनागरिक लोगों को अगर चोट पहुँचती है, तो वहाँ पे आपको मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, ऐसा फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन में कहा गया था। यहाँ तक तो आपने समझ लिए कि गांव के लोग जितने भी अगर अनागरिक लोग अगर वॉर में उन प्रभावित होते हैं तो उनको मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा रेड क्रॉस सोसाइटी। ओके, और सेकेंड जो यहाँ पे कन्वेंशन हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, तो उसमें कहा गया थे 18 ईयर के कम जितने भी बच्चे हैं तो उनको हम लोग वॉर में शामिल नहीं करेंगे, या उनको हम लोग वॉर में शामिल होने के लिए ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट आता है कि कोई भी हम लोग जनता को, कोई भी नागरिक को हम लोग बंधक नहीं बनाएंगे, इसमें यही कहा गया है। एंड फोर्थ पॉइंट आता है कि जितनी मेडिकल की सुविधा आपको चाहिए, जितना फूड चाहिए, जैसे कि आप मान चलिए वॉर में अगर कोई भी जैसे सैनिक हैं या सोल्जर्स वगैरह हैं, या उनको जितनी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो, नीड्स हो, जितनी फूड की आवश्यकता हो उतनी ही वो लें, ऐसा नहीं कि फेंकने के लिए लें, क्योंकि रेड क्रॉस सोसाइटी जो है बहुत ही
मुश्किल परिस्थिति में जाके वॉर में घुस के और इसके बाद में मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है, तो आपको उनकी उनकी जो अहमियत है उनको समझनी चाहिए। इसीलिए जितना फूड एंड मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, मेडिकल फर्स्ट एड की आवश्यकता है, आपको उतना ही लेना है। अब यहाँ पे जो फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे आया कि सिख एंड घायल सोल्जर्स एवं नागरिकों की सुरक्षा करना है, ये फोर्थ जनेवा कन्वेंशन में 1949 में कहा गया था। अब आपको पता चल गया होगा कि किसने जनेवा कन्वेंशन की शुरुआत की थी, किसने स्थापना करने के लिए आवाज़ उठाया था। तो इस प्रकार कोई भी व्यक्ति आवाज़ उठा सकता है, लेकिन उसमें पावर होना चाहिए कि वो इसको पूरा कर सके। तो हेनरी डोनाल्ड ने बहुत ही एक सोल्जर्स के लिए, जो मरने वाले सोल्जर्स हैं, घायल होने वाले सोल्जर्स हैं, बीमार सोल्जर्स हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ा कन्वेंशन किया था। बहुत ही बड़ा उन्होंने उनके लिए बहुत हेल्प प्रोवाइड किया था उन्होंने ऐसा करके। इस प्रकार आपने समझे कि फर्स्ट से लेके फोर्थ जनेवा कन्वेंशन में हुआ क्या था, किसने इसकी स्थापना की थी, किसने इसको सबसे पहले लाया था और किसने इसके लिए आवाज़ उठाई थी। आज आपको समझ में आ गया होगा कि जनेवा कन्वेंशन में हुआ क्या था। ओके, आज हम लोग बात किए जनेवा कन्वेंशन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक मेरा रहेगा ह्यूमन राइट्स के कुछ। अगर आपको मेरी जो जनेवा कन्वेंशन पे जो वीडियोस अपलोड की हूँ मैंने, ये जो वीडियोस है, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। एंड जो भी आपको टॉपिक अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको वो टॉपिक को ईजिली आपको बताने की कोशिश करूँगी। और आज हमने समझे जनेवा कन्वेंशन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक मेरा रहेगा ह्यूमन राइट्स के, अदर्स टॉपिक पे मैं आपको डिस्कस करूँगी। और आज के लिए बस इतना ही। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।